नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और एक बार फिर से आपके सामने मैं तमन्ना लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया। और इसे घर पर आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं और महिलाओं के लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर वो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। तो ये बिजनेस है बनाना वेफर्स बनाने का, यानी कि केले के चिप्स। तो किस तरह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और मेरे को तो लगता है कि ये बिजनेस जो है ना, पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। लाइक बहुत अच्छा लगता है जब हम टीवी पे देखते हैं या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी बताते हैं कि किस तरह से पापड़ बनाए जाते थे और उसको छत पर रख के सुखाया जाता था। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये चीज़ आज भी बरकरार है और बरकरार रहनी भी चाहिए। तो किस तरह से आप इसको बिजनेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारा लिंक और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे शुरू कर सकते हैं आप बनाना वेफर्स बनाने का बिजनेस। क्या है केले के वेफर बनाने का बिजनेस? केले के वेफर यानी कि केले से बने चिप्स। आलू के चिप्स की तरह ही अब लोग केले के चिप्स का भी सेवन करने लगे हैं। यही कारण है कि केले का व्यापार अच्छी खासी राशि कमाने का बिजनेस है। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इस काम को आप कम जगह में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप काफी कम निवेश के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। इस काम में आपको केले के पतले टुकड़े करके कुरकुरे होने तक डीप फ्राई करना पड़ता है। ध्यान रहे कि केले इसमें कच्चे ही हों। केले के चिप्स को ज्यादातर साइड डिश, स्नैक या एपेटाइजर की तरह परोसा जाता है। इसमें मूल रूप से कच्चे केले को पकाया जाता है और नमकीन बनाकर परोसा जाता है। आलू की चिप्स की तरह ही केले के चिप्स को बनाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। इसमें आप अलग अलग तरह की सामग्री और दूसरे स्वाद की चीजें डालकर इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अलग अलग किस्मों के केले के चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं। उन्हें खा सकते हैं या बेच सकते हैं। इसमें जड़ी बूटियां, अलग अलग तरह के मसाले, चीज, सीजनिंग शामिल है। केले के चिप्स बिजनेस के लिए बजट। केले के चिप्स बनाने के बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है चिप्स बनाने की मशीन। इसकी मशीन आप ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको ये मशीन नहीं मिल रही तो आप अपने नजदीकी मार्केट में जाकर आसपास के शहर में ये मशीन खरीद सकते हैं। आपको आसानी से ये मशीन 10 से 12,000 रुपए की मिल जाएगी। अगर आप छोटे लेवल में इस काम को करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 से 12,000 तक की मशीन सही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो आपको मशीन के लिए 30 से 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मशीन के साथ ही आपको चिप्स बनाने के लिए कच्चे सामान की जरूरत पड़ेगी। अनुमान आपको ये सामान 5,000 से लेकर 7,000 तक आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसे अपने पास के होलसेल मार्केट से लेंगे तो आपको इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका बजट दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है, यानी आप इसके लिए दुकान रेंट पर लेना चाहते हैं या फिर खुद के घर पर ही इसे शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती करेंगे या खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर इस काम को शुरू करेंगे। बनाना वेफर व्यवसाय के लिए जगह। किसी भी बिजनेस को करने के लिए बिजनेसमैन को सही जगह की जरूरत होती है। इसमें आपको केले के चिप्स बनाने वाली मशीन को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी। इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा सामान और तैयार किए गए चिप्स के लिए जरूरी जगह, यानी कुल मिलाकर आपको 4,000 से लेकर 5,000 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप आसानी से इस काम को कर सकेंगे। आप चाहें तो अपने ही घर में इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके घर या घर के आसपास इतना स्पेस है तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप रेंट या फिर लीज में कोई जगह ले सकते हैं। बनाना वेफर बनाने के लिए कच्चा सामान। अगर आप ठीक ठाक लेवल में इस काम को करना चाहते हैं तो आपको शुरू में 5,000 से 7,000 रुपए तक वेफर बनाने के लिए कच्चा सामान मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके लिए वेफर बनाने की मशीन और जगह की भी जरूरत पड़ेगी। कच्चे सामान के लिए आप केले, तरह तरह के मसाले, तेल, नमक जैसे बेसिक सामान की जरूरत पड़ेगी। बनाना वेफर बनाने के लिए कुल खर्च। जैसा कि हमने बताया कि आपको इस बिजनेस में खर्च आपके प्रोडक्शन के आधार पर आएगा, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से आप शुरू में 50 किलो केले के चिप्स बनाते हैं तो इस काम में कम से कम 120 दर्जन कच्चे केलों की जरूरत पड़ेगी, जो आपको अमूमन 1,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। 50 किलो चिप्स को तलने के लिए 12 से 15 लीटर तेल और 70 रुपए किलो तेल के हिसाब से आपका 1,050 रुपए का खर्च आएगा। अब चिप्स को बनाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी और मशीन को चलाने के लिए आपको डीजल चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, ये मशीन 1 घंटे में 11 लीटर डीजल की खपत करती है। अब 1 लीटर डीजल 80 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का पड़ जाएगा। तरह तरह के मसाले और नमक में आपका 150 से 200 रुपए लग जाएंगे। और अगर हिसाब लगाएं तो 50 किलो केले के चिप्स तैयार करने में आपको 3200 रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद चिप्स को पैक करने में 70 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। और अंत में अगर आप ऑनलाइन या किसी किराना स्टोर में इन चिप्स को 100 रुपए किलो में बेचते हैं तो आपको 50 किलो चिप्स 5,000 रुपए तक मिल जाएंगे। अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर भी ध्यान दें।
किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको भी अपने वेफर के बिजनेस को सफल बनाने के लिए ग्राहकों का चयन करना पड़ेगा, यानी आपको जानना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। वैसे इस तरह के फूड बिजनेस में आपको कम ग्राहकों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आजकल लोग खाने पीने के शौकीन हैं और इन चीज़ों को खाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी चुका देते हैं, बशर्ते आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ग्राहकों के हिसाब से होगी तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बनाना वेफर बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। आपको इस बिजनेस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा और संबंधित अधिकारियों से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को ROC के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन यानी नाम चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस काम को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की सिफारिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नगर पालिका या नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस हासिल कर सकेंगे और अपने बिजनेस को MSME के साथ रजिस्टर कराना ना भूलें। बिजनेस के लिए कर्मचारियों की भर्ती। बनाना वेफर बिजनेस में कर्मचारियों की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस लेवल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी जितना बड़ा आपका व्यवसाय होगा उतने ही आपको कर्मचारी साथ में जोड़ने होंगे। लेकिन एक नॉर्मल वेफर बिजनेस के लिए आपको लगभग 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए एक मशीन का ऑपरेटर जो केले के वेफर बनाने का काम करेगा, इसके साथ ही एक कर्मचारी जो आपके प्रोडक्ट की चेकिंग और पैकेजिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। आप चाहें तो इस काम के लिए महिला कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 ऐसी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी जो इस काम को आसानी से कर सकें, साथ ही एक सप्लायर जो मार्केट में आपका सामान बेचने जा सके। आप चाहें तो अपने वर्किंग एरिया के सामने छोटा सा स्टॉल या दुकान लगाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इससे आपकी सप्लाई का खर्च और समय भी बच जाएगा और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। जहाँ तक बनाना वेफर बनाने या प्रोडक्शन की बात है तो इन्हें बनाने की मशीन को चलाना काफी आसान है। इसे किसी भी आदमी को केवल कुछ समय या कुछ घंटे की ट्रेनिंग के बाद आसानी से समझाया जा सकता है। और अगर ऑटोमेटिक यानी महंगी मशीन लेते हैं तो आपका काम और भी आसानी से और फटाफट हो जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन से आपके कर्मचारियों का वर्कलोड भी कम होगा, यानी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो आप ज़्यादा वेफर सप्लाई कर पाएंगे और आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। फिर भी जब आप बिजनेस बड़े स्तर पर करते हैं तो सिर्फ मशीनों से काम नहीं चल सकता, इसके लिए आपको प्रॉपर टीम की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिजनेस के साथ साथ आप अपने कर्मचारियों को कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ओके स्टाफ ऐप इंस्टॉल करें और अपने कर्मचारियों को और उनकी जिम्मेदारियों को आसानी से मैनेज करें। ओके क्रेडिट आपके लिए लाया है ओके स्टाफ, एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ की सैलरी और अटेंडेंस बहुत ही आसानी से। ओके स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि। ये ऐप 1 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है और पूर्णतः भारत में निर्मित ऐप है। अधिक जानकारी के लिए देखें और डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। तो देखा आपने कि बनाना वेफर्स बनाने का बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और मुनाफे की जहाँ तक बात है तो मुनाफा भी आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आना शुरू हो सकता है। और साथ ही साथ आप सरकार के जो स्कीम्स हैं लघु उद्योग को लेकर, और उसमें भी आप पैसा जो है वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं। और बाकी आप अपनी मेहनत से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। और कुछ भी सवाल हो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।